काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स स्पाइन के या फिर कैंसर की वजह से होने वाले स्पाइन फ्रैक्चर्स के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम सुई के जरिए जो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया होता है उसमें सीमेंट डाल देते हैं। अगर एक या दो मणकों का फ्रैक्चर हुआ होता है तब तो हम लोकल एनेस्थीसिया में इस प्रोसीजर को कर देते हैं, जिसमें कि मरीज को करीब आधा या पौना घंटा लगता है प्रोसीजर में, और उसके बाद एक घंटा ऑब्जर्वेशन रख के हम मरीज को घर भेज देते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें कि मरीज को हम सुबह एडमिट करते हैं और दोपहर तक छुट्टी कर देते हैं। काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी एक बहुत ही अच्छा पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर है, जिससे कि मरीज का जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर का दर्द होता है वो तुरंत चला जाता है और उसके बाद मरीज खुद ही खड़ा होकर चल के घर भी जा सकता है। ये एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है और इसका रिज़ल्ट 6 मिनट के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि सीमेंट जो है वो 6 मिनट में करीब हार्ड हो जाता है। अगर हमें 3 या 4 लेवल की वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी करनी होती है तब हमें कभी कभी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, क्योंकि इतने लेवल की वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी कराने में मरीज को थोड़ी दिक्कत होती है। उस सिचुएशन में हम पेशेंट को करीब 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे के 3 या 4 लेवल जितने पे भी फ्रैक्चर हुआ होता है सब में सीमेंट भर देते हैं, और वर्टिब्रा की जो हाइट होती है जो कि दबने की वजह से कम हो गई होती है उसको हम अंदर एक बलून फुला के वापस नॉर्मल कर देते हैं। वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी में फ़र्क सिर्फ ये रहता है कि वर्टिब्रोप्लास्टी में हम सिर्फ सीमेंट डालते हैं, बलून नहीं फुलाते, और काइफोप्लास्टी में हम बलून डाल के वर्टिब्रा की हाइट को नॉर्मल रिस्टोर करके फिर सीमेंट डालते हैं। इन दोनों ही प्रोसीजर्स के बाद शरीर पे बहुत छोटे छोटे सिर्फ 2 चीरे आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, जिसमें कि हम एक टांका या कभी कभी एक भी टांका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसीजर के बाद 2 छोटी छोटी पट्टियाँ हम उन पर चिपका देते हैं और मरीज खुद ही खड़ा होकर अपने घर भी जा सकता है। चलना फिरना, डाइट और सब कुछ पेशेंट का नॉर्मल रहता है, और 7 से 8 दिन बाद हम मरीज को बुलाते हैं, एक ड्रेसिंग करते हैं और शरीर पे इसका कोई निशान भी नहीं आता। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या कैंसर्स की वजह से वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है और उसकी कोई बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती या बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी दोनों प्रोसीजर्स का रिकमेंड करते हैं, जिससे कि मरीज फटाफट ठीक भी हो जाता है, दर्द भी चला जाता है, और फ्यूचर में वो वर्टिब्रा दोबारा दबने से फ्रैक्चर बढ़ना या न दबना इस तरह के सिम्टम्स होने का कोई चांस नहीं रहता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।